आज पार्टी कैसे करेंगे अंकल? कोई मुर्गा ही नहीं दिख रहा है। डोंट वरी श्रुति बेटा, दिस मुंबई शहर इज फुल ऑफ फूल्स। कोई ना कोई मुर्गा कटने जरूर आएगा, फिर हम आज की सारी भरपाई कर लेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, हम प्रवेश करें। आ जाइए। मुर्गा आ गया, गेटअप देखो इसका। महोदय, हम किस स्थान पर आसन ग्रहण करें? सर आप यहाँ बैठिए। आभार। यहाँ तो स्वच्छता का अपमान हो रहा है। वेटर महोदय कहाँ चले गए? श्रीमान वेटर जी। बोलिए सर। कृपया मुझे एक कप कॉफी प्रदान करें। ठीक है सर। बंधु शक्कर थोड़ी कम डालना, मधुमेह नहीं है मुझे, सावधानी बरत रहा हूँ। ठीक है सर। इस मुर्गे कम गधे के बारे में आपका क्या ख्याल है अंकल? सारे गधों का सरदार है। बापरे, एक कप कॉफी 150 रुपए, साथ में बिस्कुट भी नहीं दे रहे। ए श्रुति शुरू हो जा। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं, पहले मैं अफेयर करूंगी फिर शादी करूंगी। इस उम्र में अफेयर फेयर नहीं होता, अफेयर के चक्कर में कुंवारी बैठी रहोगी, कोई लड़का शादी के लिए नहीं मिलेगा। मिल गया, लव एट फर्स्ट साइट। कौन है वो? वो चश्मे वाला। ये पीली टैक्सी, ये टीके वाला चश्मा, इसी की तलाश थी। हाथ में पकड़कर चाय की क्या चुस्कियां लेता है, जब चाय ऐसे पीता है तो इसकी तो हर अदा कमाल की होगी। टिश्यू पेपर से मुंह ऐसे पोंछता है जैसे सीरियल किसर इमरान हाशमी हो। चुप कर, करेले के पकोड़े जैसा मुंह है इसका। उसे मेरी आंखों से देखिए अंकल। देखो श्रुति, थोड़ा वेट कर लो, इससे अच्छे फीचर वाले मॉडल मिल जाएंगे तुझे। सुनिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप दोनों मेरे बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, आपकी अब तक शादी तो नहीं हुई ना? हाँ, नहीं हुई, आज तक किसी लड़की से मेरा गठबंधन नहीं हुआ। फिर तो हमारी लाइन क्लियर है। नहीं, हा? मुझे चंपू पसंद नहीं। शादी मुझे करनी है या आपको? आप मेरी खुशी से जलते हैं। आपने इसके कोमल हृदय को ठेस पहुँचाई। अबे चुप, वरना ऐसा मारूंगा कि पैन भी पीली हो जाएगी। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? चला, ये पीले, ये बिल भर दे। लालो क्या आ रहा है, इमोशन कंट्रोल करो। महिला जी, मैंने आपका बिल भर दिया, आनंदित होकर उसे 5 रुपए भी दिए। सो स्वीट, थैंक यू शनर। अबे पेड़ पे लटके उल्टे लंगूर, तेरे हाथ नहीं आएगा ये मीठा अंगूर। उसे समस्या नहीं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये अहिंसा में टेररिज्म, मेरा दिमाग भज्जी की गेम से भी ज्यादा घूमता है। बेटी, ये बाउंसर डाल रहा है, चलो यहाँ से। अबे फटीचर, मैं कहाँ से फटा हुआ दिख रहा हूँ? जब तू आईना देखता है तो फटीचर नजर आता है ना। साला सच कह रहा है। ये कहाँ जाएगी? घर जाएगी। हाँ, घर जाकर अपने बुक और मुंह उठाकर कॉलेज जाएगी। श्रुति, शाम को हम मिल रहे हैं, नंबर क्या? 9901344445। इसका नंबर मांगा, तेरा नंबर क्यों दे रहा है? श्रुति फोन देना। अरे तुम्हारी तरह फोन का फिगर भी मस्त है। ओके बाय। बाय। ये कौन? जानो, मेरा नंबर है, रवि सैया नाम से सेव कर लो। हाँ ओके। साला, मेरे कमल जैसे चेहरे पर पंजे का निशान बना दिया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ उसके हाथ में आम आदमी की तरह झाड़ू नहीं था। साला, एक थप्पड़ आदमी को हिजड़ा नहीं बना सकता। और थप्पड़ खाने का इरादा है? अब तक 56 खाए हैं, अब उसे खिलाऊंगा। कम ऑन, गिव मी फोन। फोन पर भी थप्पड़ ना मारे। बेटा रवि तुम्हारे लिए ऑमलेट ओहो। रवि ये फोन मैसेज। श्रुति, हाय स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो अभी? स्वीट हार्ट बोला, वाओ, लगता है बात बन गई है। मैं लाइन क्लियर कर देता हूँ। मैं तुम्हारे ही मैसेज का इंतजार कर रहा था, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी याद आ रही है, खाने में भी मन नहीं लग रहा। खाना क्या, मेरा तो नहाने का मन भी नहीं कर रहा है। छी, उसके पसीने की बदबू फोन से डायरेक्ट मेरे नाक में जा रही है। क्यों शोना, क्यों नहीं नहाना? नहीं नहीं नहीं, साथ में नहाना है मुझे। इस शर्म से पानी पानी हो गई मैं। ए यू नॉटी, तुम्हें किसी विशी चाहिए? हाँ चाहिए, पुचुकू 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 पुचुकू। अबे बस
कर यार। किसका फोन है बापू? अच्छा कोई श्रुति है? श्रुति बेटा हाँ? वो तुम्हें मैसेज पे मैसेज कर रही है, कौन है लड़की? ये लड़की नहीं है, दादी माँ है, ओवर एज है, बुढ़ापे में लाइफ टाइम सिम कार्ड खरीदा है, रिचार्ज करने के लिए मुझसे लोन मांग रही है। ओ, 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 मैंने भी तेरी तरफ से उसे रिप्लाई कर दिया, कहीं वो पुलिस स्टेशन जाकर मेरे ऊपर केस तो नहीं कर देगी। बेटा मुझे बचा लेना, मैं निकलता हूँ। मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, क्या करूँ? अबे काले कौवे, 10-12 नींद की गोली खा के सो जा। अरे बाप रे, मेरी पोल खुल गई। मैं क्लास खत्म करके आऊं, तब तक आप मस्त पार्टी का प्लान बनाइए। तू पढ़ाई पे ध्यान दे, प्लानिंग मुझ पे छोड़ दे। बाय अंकल। बाय बाय। मर गए अंकल। क्या हुआ श्रुति? उसका फोन। अच्छा, डरने का नहीं, अवॉइड करो या तो चूस लो। उससे पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ठीक है। हेलो। अबे बेरोजगार, तूने फोन क्यों उठाया? श्रुति कहाँ है? वो मंदिर गई है। मंदिर गई है? हाँ जी, उसने कहा था कि उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा तो वो हरिद्वार जाएगी, इसलिए हम आज ही हरिद्वार आए हैं। अरे मैं भी हरिद्वार में हूँ, अभी प्रवेश किया है। वो हिंदी डिक्शनरी हरिद्वार चली गई है। हाँ बोल बे। क्या? सॉरी बोलिए। हम एक साथ मंदिर जाते हैं ना, श्रुति कहाँ है? हम एक साथ मंदिर कैसे जा सकते हैं? हम अभी हरिद्वार नहीं पहुँचे, दिल्ली के ट्रैफिक में अटके हैं। अरे 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 ठोक मत यार, अबे ट्रेन साइड में ले, मुझ पर चढ़ाएगा, मैं पटरी दिखता हूँ। हटो हटो, माफ करो, छुट्टा नहीं है। ए भिखारी। अरे आपको नहीं कहा श्रीमान। सर एक काम करते हैं सर। क्या? हमें वहाँ आते आते 2-4 साल लग जाएंगे, इसलिए आप दर्शन के लिए अकेले जाओ और आते हुए पैदल आओ, तब तक श्रुति नानी बन गई होगी। ए मूंगफली। क्या है गुरुमुरे? ए मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। तुमने हमें हरिद्वार से कैसे देख लिया? हम टीवी पर आ रहे हैं क्या? ऐसा ही समझो। तुम पागल हो। चलो अपना बायां हाथ उठाओ। नहीं उठाऊंगा। अपना बायां हाथ उठाओ और लेफ्ट मुड़कर देखो। चल ले, उठाया, लेफ्ट को मुड़ा। गुड़ के लड्डू। फंस गए अंकल, जल्दी बचने का प्लान बनाओ। क्यों टोमेटो सॉस? ये हरिद्वार है। हाँ हरिद्वार कॉलेज ऑफ साइंस। श्रुति प्लीज जरा इस तरफ आ जाओ प्लीज। तू इधर आ, ये चश्मा नया लिया है? आज ही चुराया है। हरिद्वार से पैदल आने के लिए क्यों कहा? वॉकिंग से तुम्हारे 10 पैक बन जाएंगे, इसलिए मारना मत। उन्हें छोड़ो, मुझे पकड़ो ना। हाय मर जावा, पकड़ना तो जिंदगी भर है, शादी तो होने दो। ये तो ना इंसाफी है, इसे प्यार और मुझे मार। कहा था ना पिच के हिसाब से मेरा मूड स्विंग होता है। तुम माइंड ना कर, तो शाम को गोल्ड माइन जाकर पिक्चर देख कर आए। दरअसल 5 बजे तक मेरी क्लास है। थिएटर पास में ही है, मैं नेट से कॉर्नर की 2 टिकट बुक कर लेता हूँ, तुम रेडी रहना। आमाश, वक्त पे आ जाना। मैं क्लास जाती हूँ, बाय। ओके बाय। कहाँ जा रहा है बे दल्ले? अगर शाम को गलती से तूने उसका फोन उठाया तो पता है क्या होगा? नहीं पता। अभी अंग्रेजी में समझाता हूँ। आई होल्डिंग योर खेत का टमाटर, उसे कटिंग इन छोटा पीसेस, चिली पाउडर ऐड करके तुझे को खिला दूंगा। वो मुझे ही खिलाओगे? थैंक यू। हाँ बड़े अंधे लग रहे हो। जा जा, बाय। ये मुझे भिखारी बना के छोड़ेगा? गॉड, क्या करें, उससे बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? ओह गॉड अंकल, वो हमारा गेम बजा रहा है और आप गेम खेल रहे हो। कूल बेबी कूल। वो घन चक्कर तुम्हारे चक्कर में पूरे कॉलेज का चक्कर दिन भर लगाता रहेगा। ये लो उसी का फोन, कर लो बात। अंकल मैं क्या बोलूं उसे? डरो मत, कर लो बात, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है, टेंशन मत लो। हेलो, एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी क्लास 1 बजे ही खत्म हो गई तो जल्दी वापस घर आ गई। क्रोधित मत होना प्लीज। क्रोधित और तुमसे प्रेम के महासागर को पार करने वाले क्रोध की नाव पर कभी सवार नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुमने, बाद में मिलते हैं। हा? नहीं तो वहीं पर रुको, मैं पिक कर लूंगा। तुम मेरे घर आओगे? पता है मेरा घर सिटी से बहुत दूर है। मैं जनवरी में घर से निकलती हूँ तो फरवरी में कॉलेज पहुँचती हूँ। तुम्हारा बहुत पेट्रोल खर्च होगा। सच्चा आशिक हूँ, और वैसे भी मेरी गाड़ी CNG पे चलती है। एड्रेस बताओ। एड्रेस? एड्रेस एड्रेस चाहिए। सॉरी, नाना चौक। नाना चौक तो बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है। नाना चौक में कहाँ रहती हो? नाना चौक में कहाँ, क्या वो मनी रुपी
डॉलर 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 कॉलोनी डॉलर दिस इज टू मच श्रुति, वहाँ पर कहाँ डॉलर कॉलोनी में कहाँ लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस के पास हाँ पोस्ट ऑफिस श्रुति 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 प्लॉट नंबर 69 व्हाइट बिल्डिंग तो नहीं उसे हमारा गलत एड्रेस पता चल गया तो बैटरी क्यों खलास कर रही हो वो नाशपति का कीड़ा जरूर होगा बाहर खड़ा ए लंगूर नाना चौक डॉलर्स कॉलोनी प्लॉट नंबर 69 सही एड्रेस पे आया हूँ वो भी गलत एड्रेस बताने के बावजूद नीचे नहीं नहीं मुझे थप्पड़ नहीं खाना है तू नहीं आएगा तो मैं ऊपर आऊंगा गलत आऊ साले तू ऐसे नहीं मानेगा रुक मैं ऊपर आता हूँ अरे बाप रे श्रुति वो तुम्हारी क्लास लेने ऊपर आ रहा है अगर कोई आइडिया नहीं लगाया तो वो तुम्हें ले जाएगा और मेरा भरता बनाएगा अब हम क्या करेंगे अंकल आइडिया आइए श्रीमान नीला सांड धन्यवाद पर्दे का फाड़ के बनाया है ऐसे ही मारते रहोगे तो एक भी दांत नहीं बचेगा लाल रंग पहन कर वरना और खाएगा प्लीज रहने दो ना एक ही काफी है लाल कपड़े देखकर सांड भड़क जाते हैं ना बिना कपड़े आ जा हंस हंस के बेहोश हो जाएंगे अगली बार बेहोश करूंगा जानू बेबी श्रुति बेटा श्रुति शेम शेम पपी शेम टावल पहनकर डेट पर नहीं जाते एक्चुअली सैटरडे ना हमारा लॉन्ड्री डे है आज के दिन हम टॉवल को छोड़ के सारे कपड़े धोने में डाल देते हैं मंडे टू मंडे मैं हजामत करता हूँ गेट के बाहर ही नाई है उसके बाद ही मैं बाथरूम जाता हूँ बाथरूम में बैठे बैठे ही मैं कपड़े धोता हूँ अरे रे रे अब फिल्म कौन देखेगा सिर्फ टॉवल में जाएगी तो लोग इसे देखेंगे फिल्म भूल जाएंगे फिर भी ले जाऊंगा कैसे चल सावधान की मुद्रा में आ जा आजा आजा आप मुझे हमेशा सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा देखना बताता हूँ चल 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 टॉवल उतार टॉवल उतार चल चल मर गया इसे कहते हैं अबेल मुझे मार